दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इसी साल का लॉन्च सोनी का एलईडी टीवी जिसका सीरीज है X75। बेसिकली ये आपको दो साइज में मार्केट में अवेलेबल है, 43 इंच एंड 50 इंच। तो आज मैं इस टीवी का फुल डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कैसा है इसका पिक्चर क्वालिटी, क्या है इसके फीचर्स, कैसा है इसका साउंड क्वालिटी, सब कुछ बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों इसकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसकी डिज़ाइन 3-साइड नैरो बेजल के साथ आती है जिससे इस टीवी का लुक काफ़ी बढ़ जाता है। नीचे के साइड देखें तो सेंटर में सोनी का ब्रांडिंग की गई है और उसके नीचे रिमोट का सेंसर दिया गया है जिसमें एक छोटा सा लाइट एलईडी लाइट दिया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की। इसके सारे पोर्ट्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके साइड में दो HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट, हेडफोन जैक और एंटीना का पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके बैक साइड में 1 HDMI, ऑप्टिकल, ईथरनेट, इन सभी का पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की तो इसमें IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिससे आपको कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस परफेक्ट मिलता है। दोस्तों IPS डिस्प्ले होने के कारण इसमें कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस को चेंज करे बिना आप घर के किसी भी कोने से इसके पिक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। आपको व्यूइंग एंगल काफ़ी परफेक्ट देखने को मिलने वाली है इस टीवी में। पिक्चर के डिटेलिंग को इन्हांस करने के लिए सोनी का 4K X1 प्रोसेसर दिया गया है जिससे इसकी पिक्चर के डिटेलिंग काफ़ी इन्हांस हो जाती है। दोस्तों पिक्चर को अपस्केल करने के लिए इसमें लगा है 4K X Reality Pro प्रोसेसर इंजन जिससे कि फुल HD वीडियो के डिटेलिंग को भी नियर बाई 4K तक अपस्केल कर देता है। दोस्तों इसमें डार्क लेवल काफ़ी अच्छा दिखने वाला है क्योंकि इसमें फ्रेम डिमिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिससे आपको डार्क सीन काफ़ी हद तक बेहतर दिखने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इसकी कलर की तो इसमें काफ़ी विविड, लाइफ लाइक, नेचुरल कलर देखने को मिलती है क्योंकि इसमें यूज़ किया गया है लाइव कलर टेक्नोलॉजी जिसके वजह से इसकी कलर की डिटेलिंग को और भी ज़्यादा इन्हांस किया जाता है जिससे आपको कलर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या एक्शन मूवी देखते हैं तो इस टीवी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्योंकि इस टीवी में यूज़ होता है मोशन फ्लो XR की टेक्नोलॉजी जिसके वजह से आपको पिक्चर ब्लर फ्री पिक्चर मिलने वाला है इस टीवी में। दोस्तों बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड देखने को मिलती है जिससे आपकी यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है इस टीवी में। बात करें एप्लीकेशन की तो इसमें मिलता है गूगल का प्ले स्टोर जिसमें 5000 प्लस एप्लीकेशन देखने को मिलता है जिसमें इंटरटेनमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन बहुत सारा गेम बिल्कुल आसानी से लोड कर सकते हैं इस टीवी में। इसके UI को देखते हैं तो इसमें ऊपर की साइड आपको एप्लीकेशन का रॉ देखने को मिलता है, नीचे में सभी एप्लीकेशन का ट्रेंडिंग वीडियो दिखता रहता है जिससे आप इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मिलता है बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट वर्क विद एलेक्सा जिससे आप इस टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं वॉइस कमांड के थ्रू। आप एलेक्सा के डिवाइस के थ्रू इस टीवी को बोल के भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई भी कमांड देते हैं तो बिल्कुल आसानी से इस टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट यूज़ करने के लिए इसके रिमोट में बिल्ट इन माइक देखने को मिलता है। अगर इसकी रिमोट की बात करते हैं तो इसकी रिमोट काफ़ी स्लिम देखने को मिल जाती है। इसको यूज़ करने में काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होता है, काफ़ी हैंडी साइज़ का देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी स्लिम है। इसमें YouTube, Netflix, प्राइम वीडियो का डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है। नीचे में गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप गूगल असिस्टेंट को एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मिलता है बिल्ट इन क्रोमकास्ट जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड, ISO फ़ोन, किसी भी फ़ोन से स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी साउंड की तो इसमें ओपन बफल स्पीकर यूज़ किया गया है। अगर टोटल आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें 20 वाट की टोटल आउटपुट देखने को मिल जाती है जो कि डॉल्वी ऑडियो को सपोर्ट करता है। तो चलिए फटाफट से एक साउंड सैंपल सुन लेते हैं, कर लेते हैं इसका साउंड टेस्टिंग, कैसा है इसका साउंड क्वालिटी। I feel
दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रही है। अगर इसकी बात करते हैं वोकल की तो वो भी काफ़ी क्लियर सुनने को मिल रही है। अगर बात करते हैं इसकी बेस की तो वो भी आपको हद तक ठीक ठाक मिल जाता है। मैंने इसके वॉल्यूम को इनक्रीज़ भी किया था बट इसका साउंड कभी वो डिस्टॉर्टेड साउंड आपको देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको देखने को मिलता है इस टीवी में। दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी प्राइस की तो ये आपको 60,000 के अराउंड ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल इस टीवी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट को टच करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस टीवी को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।